अब देखो कैमरा बोल, अरे बाद में खाना यार, ये देखो कैमरा। नहीं नहीं यहाँ पर देखो ना, वो बराबर आ रहा कि नहीं आ रहा है। तो आप इसे टच करिए पहले, हो और कैमरा बैक करिए। नहीं हो गया, देखिए गया ना? अच्छा हाँ, बराबर आ रहा है। मैं अब तो आएगा बराबर। पीछे जाता हूँ किसी एक बार। हाँ हाँ बराबर आ रहा है, ठीक है। मैं हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है, तो ऊपर करते हैं। अब यह स्क्रीन ऐसे क्यों पड़ा रहे हो, पूरा आएगा हाँ हाँ अब आए, ठीक है ना। जी। चल इसको भी लगा दो, यहाँ ऐसे सेट कर दो बिना इसके लगा, है ना, ऊंचाई पर। हाँ बिल्कुल ऐसे इसको कर दो। कैसे लाइव चल रहा है? अच्छा टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द सेवेंथ चैप्टर अगेन, ठीक है ना। एंड सिक्स चैप्टर एंड हेलो हेलो। हेलो हेलो। हेलो 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 हाँ हेलो हेलो हेलो, तेज कर दो, सुनो इसको तेज कर दो यहाँ से। ओके हेलो हेलो। चलो इतना आना कोई बात, ठीक है ना। हेलो 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 हेलो। हाँ माइक्रोफोन देखते हैं। हाँ हाँ विश्वजीत आवाज आ रही है? आवाज हेलो हाँ आवाज आ रही है आवाज आ रही विश्वजीत? है सर, हैं आवाज हेलो आ रही है क्लियर। हाँ क्लियर आवाज है सर, ठीक है हैं आवाज ठीक है सर, क्लियर आ रही है। ओके ओके ठीक है। ठीक है तो तो अब मैं अब ये मैं माइंडिंग का माइंडिंग सिक्स लेक्चर आपका स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है ना।
हेलो। आज हम आपको बताएंगे, कल मैंने डिस्कस किया था अबाउट द पैटर्निंग ऑफ द वाइंडिंग मशीन, है ना। तो पैटर्निंग के अंदर क्या होता है कि आज मैं दोबारा इसको रिपीट करूंगा। तो इस पैटर्निंग में कल मैंने डिस्कस किया था पैटर्निंग के बारे में। तो पैटर्निंग के अंदर क्या होता है कि आपका फोन के ऊपर ये जैसे आपका चीज है, तो चीज के ऊपर एक साथ आपकी जो है 10 या 12 कॉइल्स एक साथ ले करती है, तो इसको बोलते हैं आपका पैटर्निंग। और इसका क्या डिसएडवांटेज होता है कि ये जैसे आपका चीज है, तो 10 और 12 कॉइल्स तो हमारी जो है वो एक साथ आपकी ले करती है ना चीज के ऊपर। जैसे ये आपकी चीज है, तो इस चीज के ऊपर आप देखें ये क्वाइल्स पड़ी हुई है ना। और ये क्वाइल जो होती है वो एक ही जगह पर आपकी ले करती है। तो उस कारण क्या हो जाता है कि जब हमारी अनवाइंडिंग होती है चीज की, तो उस समय ये एकदम से फ्लफिंग होती है ना। ऑल द क्वाइल्स विल ले फ्लफ एट ए वन टाइम, है ना, सभी क्वाइल्स एक साथ निकलेंगी। तो आपका वार्पिंग शटरलेस लूप वगैरह के ऊपर आपका जो है वो ब्रेकेज आपका हो जाता है, ठीक है ना। और इसके लिए लूप के, इसके लिए वाइंडिंग मशीन के ऊपर एंटी पैटर्निंग डिवाइसेस हमारी लगाई जाती है, ठीक है ना। एंटी पैटर्निंग डिवाइसेस का काम होता है कि पैटर्न को, पैटर्निंग को ना होने देना। ठीक है, तो इसके लिए आपके एंटी पैटर्निंग डिवाइसेस है। अब मैं कुछ फोन के बारे में आपको चीजें बताने जा रहा हूँ, वो बहुत ही यादव भाई इम्पोर्टेंट है। कंप्यूट करो। एक होता है आपका नंबर ऑफ वाइन, नंबर ऑफ वाइन क्या होता है, नंबर ऑफ क्वाइल्स ले इन वन स्ट्रोक, ये जैसे आपकी चीज है। और है ना, तो आपके टू क्वाइल्स इन वन स्ट्रोक, तो नंबर ऑफ पॉइंट विल बी इक्वल टू, विल बी इक्वल टू टू, ठीक है। दूसरा होता है आपका ट्रेवल्स रेशियो, इसको बोलते हैं आपका टी आर, ठीक है। तो टी आर के अंदर क्या हो जाता है कि दो स्ट्रोक के अंदर कि आपकी क्वाइल्स ले करती हैं, इसको बोलते हैं आपका ट्रेवर्स रेशियो। और या जैसे ये आपका ड्रम है, ये आपका पैकेज है, ठीक है ना। तो थ्री क्वाइल्स इन
वन इज ट्रू है ना, ये आपका वेन दैट रिवर्सिंग विल बी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो थ्री थ्री एंड हाफ वन, यहां पर देखिए तो आपका क्या है दो क्वाइल वन स्ट्रोक में, फिर आपका टू क्वाइल, फिर आपका इन दिस अगेन टू क्वाइल, तो यहां पर आपका टीआर हो जाएगा टू प्लस टू बराबर फोर, ठीक है ना। तो एक दो क्वाइल पड़ेंगे लेफ्ट टू राइट और राइट से लेफ्ट की तरफ भी दो क्वाइल, तो आपकी चार क्वाइल होते हैं, इसको बोलते हैं आपका ट्रेवल्स रेशियो या इसको डिनोट करते हैं टीआर। अब यहाँ पर आप देखें तो आपका ये थ्री एंड हाफ क्वाइल वन स्ट्रोक और फिर आपका थ्री एंड हाफ क्वाइल इन वन स्ट्रोक, तो टीआर बराबर कितना हो जाएगा आपका थ्री एंड हाफ प्लस थ्री एंड हाफ, तो ये हो जाएगा आपका सेम, ठीक है। अब मैं दोबारा आपको थोड़ा पैटर्निंग के बारे में बताने जा रहा हूँ, कल मैंने बताया था है ना, एक बार मैं और क्लियर कर देता हूँ। तो जब आपका है ना ये आपका ड्रम होता है और ये आपका पैकेट है, तो जब आप ड्रम आपका रिवॉल्व करता है तो पैकेज आपका रिवॉल्व करेगा, ठीक है ना। अगर आप देखें ये आपका जो है कैपिटल डी जो है वो ड्रम का डायर और ये स्मॉल डी आपका पैकेज डायर, तो स्मॉल डी इज द पैकेज डायर, पैकेज मतलब आपका कोर या चीज, ठीक है। और ये ड्रम मतलब वो जो ड्रम होता है जिसके ऊपर कोन आपका या चीज आपकी बनती है, ये मैंने आपको वाइंडिंग में बताया था, ठीक है। तो ये है आपका डी है ड्रम डायर, ठीक है। अब क्या होता है कि आपका सरफेस स्पीड ऑफ पैकेज बराबर हो जाएगी सरफेस स्पीड ऑफ ड्रम, ठीक है ना। दोनों की सरफेस स्पीड, जो ड्रम की सरफेस स्पीड है वही आपकी पैकेज की सरफेस स्पीड होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका जो हो जाएगा पाई डी टू एन, एन आपका पैकेज रिजोल्यूशन है, पैकेज रिजोल्यूशन पर मिनट, और ये बराबर हो जाएगा पाई इंटू डी इंटू एन, एन जो है आपका ये ड्रम रिवॉल्यूशन, ठीक है ना। अब दोनों की सरफेस स्पीड बराबर है क्योंकि ये जो है आपका है ना ये रैंडम ड्रिवन पैकेज है, अभी मैं आपको बताऊंगा क्लासिफिकेशन। तो यहां पर हो जाएगा आपका डी क्या आपका एन इंटू डी बराबर आपका कैपिटल डी इंटू एन, नाउ डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट इक्वेशन बाई टी दैट इज द टी आर दैट इज द सेवन फॉर दिस मशीन आई हैव टेकन द टी आर बराबर सेवन, मतलब आपका दो ट्रेवल्स दो क्वाल सेवन क्वाल्स पड़ेगी दो ट्रेवल्स के अंदर। अब हम उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपका
एंड बाय केबल है, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका डी एन बाई डी टी बराबर हो जाएगा कैपिटल डी बाई डी इंटू डी एन बाई डी टी, हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया इक्वेशन। अब आपको मालूम है ये डी एन बाई डी टी इसका डायमीटर आपका फिक्स है, ड्रम का डायमीटर, तो इसकी तो इसको हम लिख देंगे डी बाई डी इंटू सेवन दैट इज इक्वल टू एट द डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू सेवन दैट इज द टी आर सेवन से, ये फिक्स है ड्रम का, पैकेज का चेंज होगा जब आपका रिवर्स रेशियो पैकेज का होल नंबर होगा तब आपकी पैटर्निंग शुरू हो जाएगी। अब वो होल नंबर आप निकाल सकते हैं, जैसे आपका 50 mm या आपका 50 पैकेज, ठीक है, और आपका 200 mm या आपका फुल पैकेज, जैसे ये आपका पैकेज है, अब ये खाली है तो इसका जो डायमीटर है वो 50 एम एम, जब ये पैकेज आपका फुल हो जाएगा, जैसे आपका ये कोन है ऐसे ही चीज भी आपका फुल हो जाएगी, तो इसका डायमीटर कितना हो जाएगा 200 एम एम ले लिया। अब हमको गेट के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वो पूछते हैं कहाँ कहाँ पर आपके जो है वो पैटर्निंग होगी, जब आपका पैकेज डिल्यूशन पर डबल ट्रेवल होल नंबर हो जाएगा तो आपका पैटर्निंग स्टार्ट हो जाएगा। या आप ये कह सकते हैं कि आपका पैकेज डिल्यूशन और ड्रम डिल्यूशन जब बराबर होगा या मल्टीपल होगा तो वहां पर भी आपकी पैटर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब हम उन कंडीशंस को निकाल सकते हैं कहां कहां पैटर्निंग होगी पैकेज के अंदर, जब ये 50 ग्राम 50 एमएम डायमीटर से 200 एमएम पैकेज बनेगा, ठीक है ना, तो कहां कहां पैकेज आपका स्टार्ट होगा, है ना। आप जो देख ले ये आपका यूटी पैकेज और इसका जो डायमीटर है 50 एमएम और ये कन्वर्ट हो जाएगा फुल पैकेज, और ये ज़ूम करना इसका जो डायमीटर है ये आपका 200 एम एम, तो आपका 80 पैकेज इससे जब आपका फुल पैकेज बनेगा तो आपका कहाँ कहाँ पर आपकी पैटर्निंग होगी ये हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। इसके लिए मैंने ये फार्मूला निकाल दिया है dn बटे dt बराबर दिस वन, है ना, व्हेन empty package then the dn बटे dt ये बराबर हो जाएगा आपका 70 बटे 50 इंटू सेवन, है ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 9.8 तो यहाँ पर आपकी पैटर्निंग नहीं होगी। कारण इसका ये है कि जब ये होल नंबर होगा पैकेज डिल्यूशन पर डबल ट्रिपल तब आपकी पैटर्निंग शुरू होगी, ठीक है। अब हम वो पॉइंट निकालते हैं जहां पर होल नंबर आएगा, ठीक है, तो जैसे कि आपका डायमीटर आपका होगा
एन बाई डी टी, तो ये बड़ा ये हो जाएगा। ये आपका डाया है, डाया पैकेट है ना, जब आपका 50 mm है तो आपका इसकी जो वैल्यू है वो आपके आ रही 9.8 9/10। ठीक है, और जैसे इसका डायमीटर हो जाएगा आपका 54.4, तो यहां पर आ जाएगा 9। तो 9 आपका मल्टीपल होल नंबर है, यहां पर टर्निंग स्टार्ट हो जाएगा। और एक साथ आपके इसके ऊपर आपका 10, 12, 5 एक जगह पड़ जाएंगे। ठीक है ना, अब आप वो पॉइंट हम निकालेंगे। दूसरा हो जाएगा आपका 61.25। इसके ऊपर निकल के आ जाएगा 8, फिर यहाँ पर पैटर्न नहीं होगा। तो ये पॉइंट्स आपको गेट वगैरह के अंदर क्वेश्चन आएंगे, वो आपका डायमीटर दे देंगे, पूछेंगे किस जगह पर आपकी पैटर्निंग हो रही है ना। वो डेटा आपका दिया रहेगा और उसको आपको इस फार्मूले में रख के निकालना होगा। मैं करवा दूंगा भी गेट के क्वेश्चन इसी पर बेस, है ना। और दूसरा होगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा 7, फिर यहाँ पर टर्निंग आती है। इन दोनों के बीच में 50 mm और इसके बीच में नहीं होगी। जैसे 54.4 होगा तो आपकी पैटर्निंग शुरू हो जाएगी, एक ही जगह 10-12 पॉइंट आपकी पड़ जाएगी। ठीक है, आपका 4, 163। तो यहां आ जाएगा आपका 3 और आपका 200। तो यहां पर आ जाएगा 2.45। ठीक है, अब आप देखें तो यहां पर क्या हो जाएगा, जब पैकेज रिसेप्शन डबल टेबल पैकेज आपका एम्प्टी है तो वहां पर आपका कोई पैटर्न नहीं। जैसे पैकेज का डायमीटर 54.4 आपका पैटर्निंग स्टार्ट, फिर आपका 61.5 फिर आपकी पैटर्निंग स्टार्ट, आपका 70 mm फिर आपका पैटर्न ये स्टार्ट। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपका जैसे पैकेज डायमीटर होगा आपका 50 mm तो नो पैटर्निंग, और जैसे ये डायमीटर आपका चेंज होगा 54.4 तो यहां पर आपका पैटर्निंग शुरू हो जाएगा और एक ही साथ आपका 10 से 12 क्वाइल्स आपकी ब्रेकर। और ये कब कब होगा, जब आपका डायमीटर 61.25 70 81.6 122 163, तो ये आपका 1 2 3 4 5 6, तो ये सब पॉइंट के ऊपर आपकी पैटर्निंग हो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एंटी पैटर्निंग डिवाइस हम मशीन के ऊपर लगाते हैं, जिसके कारण हमारी ये पैटर्निंग नहीं होने पाती। तो वो एंटी पैटर्निंग डिवाइसेस क्या है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। बिल्कुल,
ठीक है ठीक अब हम आपको बताने जा रहे हैं एंटी पैटर्निंग डिवाइसेस। एंटी पैटर्निंग डिवाइसेस क्या होती है? एंटी पैटर्निंग डिवाइसेस इसके अंदर जैसे ये आपकी सप्लाई आ रही है वाइंडिंग मशीन के ऊपर कोर के ऊपर है ना, और ये आपका रिवॉल्व करता है इसी के ऊपर कोर आपका रखा होता है खाली कोर, ये रिवॉल्व करता तो कोर करता है। अब ये जब रिवॉल्व करेगा तो यहाँ पर एक स्ट्रिप होती है, ये स्ट्रिप क्या करती है इसको टू एंड फ्रो मूव करेगी मेटल स्ट्रिप, और ये मेटल स्ट्रिप क्या करेगी जो इसके अंदर रिवॉल्यूशन जा रहे हैं ये इससे या आपका ड्रम है, तो ड्रम के रिवॉल्व करने से ये पैकेज वॉल्व हो रहा है, और जैसे पैकेज को ऊपर नीचे कर देंगे तो क्या हो जाएगा कि जो ड्रम की सरफेस स्पीड है वो इससे चेंज होगी बार बार, और चेंज होने की वजह से आपका होल नंबर नहीं आ पाएगा तो आपका पैटर्निंग नहीं होगी, ये बार बार ये टू एंड फ्रो मूव करेगा ठीक है। दूसरा होता है आपका ग्रुप ड्रम या आपका कट ग्रुप, आप देखें तो वाइंडिंग मशीन के ऊपर जो ड्रम होता है इसके अंदर ये जो ग्रुप होते हैं आपके तो ये कंटिन्यूअस नहीं होते, अगर कंटिन्यूअस होंगे तो तारा आपका जो है कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा, और यहाँ पर आपका फ्लैट है तो फ्लैट होने की वजह से क्या हो जाता है तारा यहाँ थोड़ी देर के लिए रुकेगा, स्पीड कम होगी, तो स्पीड वेरिएशन जितने भी आपके ऑटो कोनर है रोटो कोनर है इन सब मशीनों के ऊपर आपके कट ग्रुप्स आपके लगे रहते हैं, इसकी वजह से आपका पैटर्निंग होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तीसरा होता आपका पावर सप्लाई, है ना, जैसे आप देखिए ये आपकी जो है ये मशीन है ये आपकी मोटर है ठीक है, अब मोटर के अंदर आपका ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट क्या करेगा जो पावर सप्लाई आ रही है ना तो उसको बार बार ब्रेक करेगा, तो एक मिनट के अंदर 50 टाइम्स पावर सप्लाई आपकी ब्रेक होगी, तो क्या हो जाएगा मोटर, अब देखिए वर्किंग कैसे होती है, ये आपका मोटर है ये मशीन पुली ये आपका मोटर पुली ये मशीन पुली और इससे आपका ये ड्रम चल रहा है ना, और ड्रम के ऊपर आपका ये चीज है आपकी चीज या फोन जो भी चीज बनाना वो रख दिया, तो ये कब रिवॉल्व करेगा जब ये मोटर इसको सप्लाई देगी ये मशीन पुली चलेगी और ये आपका मोटर पुली। अब होता क्या है कि नॉर्मल में जब इलेक्ट्रॉनिक सर्किट नहीं है तो मोटर चलेगी और उससे आपका ये ड्रम आपका रिवॉल्व होगा ये आपका ड्रम है, और ड्रम से क्या हो जाएगा पैकेज चलेगा ठीक है ना, ये आपका पैकेज है यहाँ रखा और ये आपका ड्रम है, और ये जब रिवॉल्व होगा तो ये ठीक है,
अब हम क्या कर रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लगा दिया और इसकी वजह से जो पावर सप्लाई बार बार इसको ब्रेक कर रही है, उसके कारण हमारा मोटर का कांस्टेंट आरपीएम नहीं रह पाए और उस कारण क्या होता है कि ड्रम का आरपीएम भी चेंज होगा बार बार, तो इस वजह से भी आपके एंटी पैटर्निंग डिवाइस वर्क करेगा। तो हमारे यहाँ जो एमएलबीटीआई में जो मशीनें लगी हुई है ना वाइंडिंग, उनके ऊपर यही डिवाइसेस लगी हुई है ना, मैं क्लास के अंदर आपको दिखा दूंगा है ना, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगी हुई है मशीन को। अब दूसरा होता है आपका सर्वो मोटर, ये तीसरी आपकी हो गई। चौथा होता है आपका सर्वो मोटर, हम थोड़ा आपको बता दें सर्वो मोटर क्या होता है और नॉर्मल मोटर में क्या अंतर होता है। इसके अंदर जो हम मैग्नेटिक उसके जो है ना वोल्टेज को हम चेंज कर देते हैं सर्वो मोटर के अंदर, जबकि नॉर्मल मोटर के अंदर हम चेंज नहीं कर सकते, तो इस कारण से हमारी स्पीड बार बार चेंज होती रहती है। तो ऑटो मोटर के ऊपर इस हर एक ड्राइव के अंदर जैसे इसके लिए अलग से सर्वो मोटर लगी, ये आपका सर्वो मोटर। अब ये सर्वो मोटर इसको ड्राइव कर रहा है, इसमें ये नहीं होता डायरेक्ट, हर एक ड्रम के लिए अलग से सर्वो मोटर और सेंसर लगा होता है। और वो सेंसर क्या करता है कि जैसे ही आपका ये सेंसर है आपका, जैसे ही पैकेज और ड्रम का डायरेक्ट बराबर होता है उसी समय ये सर्वो मोटर की स्पीड को चेंज कर देगा और आपका इसके ऊपर पैटर्न नहीं बनने पाए, ठीक है, और इसी के ऊपर आपके ये ग्रूव बने होंगे। ठीक है ना, तो ये इस तरीके ये चार डिवाइसेस हैं जिनके द्वारा हम एंटी पैटर्निंग डिवाइस को लगाते हैं। ठीक है ना, अब हम आपको बताने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द वाइंडिंग मशीन। ठीक है ना, तो वाइंडिंग मशीन हमारी दो टाइप की होती है, एक एक होती है आपका वार्प वाइंडिंग, दूसरी होती है हमारी वेफ्ट वाइंडिंग। दो चीज के मिलने से कपड़ा बनता है, जैसे ये हमारी प्लेन वीव है ना, प्लेन वीव को इस तरीके से डिनोट करते हैं वन अप वन डाउन प्लेन, अगर इसका प्रोजेक्शन देखें तो इस तरीके से है, तो इसके अंदर क्या हो जाता है एक आपका वेफ्ट होता है, ये आपका वेफ्ट है और ये आपका वार्प है, ये ऊपर से जाएगा और ये नीचे से, फिर ये नीचे से जाएगा और ये इसके ऊपर है ना, या इसको इस तरीके से भी आप देख सकते हैं कि ये आपका वार्प है और ये आपका वार्प है। ये आपका क्या है आपका वेफ्ट है और ये आपका वार्प है। तो ताला कपड़ा जो बनता है वो कैसे बनता है, वार्प एंड वेफ्ट के मिलने से बनता है। तो जो वार्प वेफ्ट वाइंडिंग है इसको हम जो मशीन यूज होती है जैसे इसका नाम है उसका हकोबा, हकोबा फ्रंट वाइंडिंग। कारण क्या हो जाता है कि लूम के ऊपर जो शटल लूम है उनके ऊपर शटर लगती है, बीच में पन लगती है और वो पन को बनाने के लिए जो मशीन यूज होती है उसको बोलते हैं हकोबा पन वाइंडिंग मशीन। ठीक है ना,
और दूसरी मशीन होती है बात पॉइंटिंग, ये आपका वेफ्ट है और ये आपका बात है, और ये दोनों के मिलने से आपका कपड़ा बनेगा लाइट। तो इसको बनाने के लिए बात के लिए हम ये यूज करते हैं और वेफ्ट के लिए हम ये यूज करते हैं। अब बात जो मशीन होती है दो टाइप की होती है, एक होती है आपकी स्लो स्पीड और दूसरी होती है आपकी हाई स्पीड। ठीक है, और स्लो स्पीड आपकी जो होती है ये इनकी स्पीड जो होती है लेस देन 500 मीटर पर मिनट, और जो हाई स्पीड होती है इनकी स्पीड जो होती है वो 500 मीटर से पर मिनट से ज्यादा होती है, मोर देन। ठीक है ना, और जो स्लो स्पीड है ये दो टाइप की होती है, एक होती है आपका अपराइट स्पिंडल, अपराइट स्पिंडल वाइंडिंग मशीन, ये आज से 50 साल पहले यूज होती थी जिसके ऊपर चीज एक गोल सा बनाते थे। आप इसको यूट्यूब पर देख लीजिएगा, नहीं तो मेरे को टाइम मिला तो मैं नेक्स्ट लेक्चर जब हम दिसंबर के बाद कवर करेंगे तो मैं बता दूंगा आपको। वैसे इसको आप इसके अंदर क्या पुराने समय यूज होती थी, इसके अंदर इसको हार्ट गेम भी कहते हैं, इसके अंदर जो गेम होता है वो हार्ट टाइप का होता है। दूसरी होती है आपकी ड्रम वाइंडिंग, ये भी पहले यूज होती है। ये आपका ड्रम होता था, ये रिवॉल्व करता था, यहाँ पर आपके ये पैकेज रिवॉल्व होता है जो है ना, ये पहले। अब अभी जो यूज हो रही है ये दो टाइप की है, एक होती है आपका हाई स्पीड के अंदर, एक होती है आपका रैंडम वाइंडिंग। रैंडम वाइंडिंग जैसे आप देख रहे हैं ऑटो कोनर, रोटो कोनर, जितनी भी मशीनें हैं सब आपके रैंडम वाइंडिंग है, और इन सब के अंदर आपका पैटर्न बनेगा, पैटर्निंग होगी। ठीक है ना, अब इसीलिए इसका मशीन चूंकि इनका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है और आपका कॉस्ट कम होती है ना, तो हम ज्यादातर इन्हीं मशीन ऑटो कोनर के अंदर आपकी तीन मशीनें हैं, बुरेटा, इन सब के ऊपर आपका ड्रम के द्वारा जवाब होता है। ठीक है, और यहाँ पर जो स्पीड, तो ये रैंडम वाइंडिंग भी दो टाइप की, एक रैंडम वाइंडिंग और दूसरी होती है आपकी प्रिसीजन वाइंडिंग। ये सब आपके सिल्क वगैरह भी यूज होती है, यहाँ कॉस्टली फाइबर होता है। ठीक है ना, सिल्क का रेट होता है करीब 8,000 रुपए से लेकर के 10,000 रुपए, 12,000, तुषार सिल्क, कंटिन्यूअस सिल्क, ये बड़ा कॉस्टली होता है, और इसको कॉस्टली मशीन के ऊपर बनाते हैं। जो प्रिसीजन वाइंडिंग है ये आपका इसके अंदर आपका सिल्क वगैरह हम बनाते हैं, ये चीज वगैरह बनाते हैं। ठीक है ना, क्योंकि हमको पैटर्निंग नहीं चाहिए, इसके अंदर क्या हो जाता है नो पैटर्निंग। क्योंकि हमारा सिल्क है और कॉस्टली फाइबर्स है तो इन सब के हमको पैटर्निंग की जरूरत नहीं है, अगर पैटर्निंग होगी तो हमारा ब्रेकेज होगा लूम के ऊपर, तो हमारा सिल्क आपका बेच जाएगा। अब आप देखें सिल्क का रेट होता है 8,000 से 12,000 रुपए पर केजी, पॉलिस्टर का रेट होता है 100 से लेकर के 120 रुपए पर केजी, तो दोनों में बहुत अंतर होता है। तो जब हम कॉस्टली फाइबर बनाते हैं, अभी आपको बता दें मेरिनो वूल 11 माइक्रोन का, उसका रेट होता है
1 लाख रुपए लगभग केजी फाइबर, तो उससे जो हमको बाइंडिंग वगैरह ये वगैरह, तो हमको करने के लिए प्रिसीजन बाइंडिंग या कॉस्टली मशीन सब कुछ चाहिए, सिल्क वगैरह। और नॉर्मल आपको करना है तो हम ऑटो कोनर या इसका, अब ये रैंडम बाइंडिंग दो टाइप की होती है, एक होता है आपका रोटो कोनर, एक होता है आपका ऑटो कोनर। ठीक है, रोटो कोनर सिंपल मशीन है जो मैं बना चुका हूं, और ऑटो कोनर, रोटो कोनर के अंदर क्या होता है आपका डॉफिंग डॉनिंग हमको करनी पड़ती, नॉटिंग खुद वर्कर को करनी पड़ती है। और आपका ऑटो कोनर के अंदर जो आपका सेवियो मुरेटा, इनके अंदर डॉफिंग बॉबिंग को लगाना, दैट इज कॉल्ड एज द डॉफिंग। और डॉनिंग का मतलब होता है पैकेज जैसे ही बन जाता है तो उसको वाइंडिंग मशीन से निकालने के लिए आदमी को यूज करना पड़ता है। और ऑटो डॉफ, ऑटो कूलर का मतलब होता है डॉफिंग डॉनिंग नॉटिंग सब एक साथ होगी, ऑटोमेटिक आदमी की जरूरत नहीं पड़ती। 12 बॉबिन्स मैगजीन पर लग जाती हैं, एक एक बॉबिन आपकी जाती रहती है और उससे कोण हमारा बनता रहता है। तो इसके अंदर क्या हो जाता है, नॉटल लगा होता है, जैसे तागा आपका ब्रेक होता है तो वहां पर नॉटल होता है, स्प्लाइसर होता है, वो तागे को जोड़ देता है, आदमी की जरूरत ही नहीं। ऐसे कोण जैसे बन जाता है 1.5 केजी 2 केजी का, तो अपने आप पैकेज हट के और नया पैकेज आपका एंट्री पैकेज लग जाता है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं आपका ऑटो कूलर, ठीक है ना। और इसके अंदर जो स्पीड होती है, इसके अंदर जैसे 500 मीटर पर मिनट है, इसके अंदर जो स्पीड होती है वो 2200 मीटर पर मिनट है। तो जितनी मशीनें हैं ज्यादातर वेल स्पन आपका और अच्छी जो यूनिट्स है ना, डायरेक्ट ग्रो और आपका वेल स्पन और आपका दूसरा वर्धमान, इन सब मशीनों के अंदर आटो कोने लगे हुए है ना। और इसके द्वारा इनका जो धागा होता है वो अच्छी क्वालिटी का होता है, प्रीमियम पर बिकता है। मतलब नॉर्मल धागा मान लीजिए 100 रुपए केजी है, तो इनका धागा 120 रुपए केजी लगभग आपको मार्केट में मिलेगा, क्योंकि धागे की क्वालिटी बढ़िया हो। मार्केट में आप जाते हैं ना, सब्जी मंडी गए तो वहां पर खराब सब्जी भी है अच्छी सब्जी भी है, खराब सब्जी की तरफ है पुरानी सस्ती मिल जाएगी आपको है ना, और अच्छी सब्जी ताजी चाहिए तो उसके रेट ज्यादा होंगे, ऐसी ताजे के अंदर होता है। आप नॉट वाला तागा ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, बार बार ब्रेकेज होगा वो सस्ता मिल जाएगा। और आप इलेक्ट्रॉनिक क्लियर यार्न ले रहे हैं, जैसे मैंने बताया स्लब कैचर इलेक्ट्रॉनिक लगे हैं, उनकी जो क्लीनिंग एफिशिएंसी है वो 70 से 80% है, तो वो तागे को एकदम क्लीन कर देते, नॉट वाट होती ही नहीं, स्प्लाइसर लगा होता वो वहीं पर स्पिनिंग कर देते, ठीक है ना। ये हम डिटेल अभी स्टडी करेंगे उसके बारे में, ठीक है। दूसरी होती है प्रिसीजन बाइंडिंग, जो सिल्क और कॉस्टली फाइबर में यूज होती है, ठीक है। पहले ये रिटर्न बनाती थी, अभी ये जो प्रिसीजन बाइंडिंग है SSM के नाम से आती है, और ये आपके यूनिट्स में लगी होती है जहाँ सिल्क वगैरह ये बनाते हैं, ठीक है। ये दो टाइप की होती है, एक होती है आपका कॉन्स्टेंट सरफेस स्पीड, कॉन्स्टेंट सरफेस स्पीड, और दूसरी होती है आपका कॉन्स्टेंट स्पिंडल स्पीड। जो SSM है ये ज्यादातर आपकी जो लगी हुई है यूनिट के अंदर, इसके अंदर स्पीड हम फिक्स कर देते हैं 400 मीटर पर मिनट, तो आपकी जो चीज बनेगी, ये जो आपका पैकेज बनेगा ये कॉन्स्टेंट सरफेस स्पीड से बनेगा। कारण इसका ये होता है, प्रिसीजन वाइंडिंग के अंदर आपका ये जैसे आपका प्रिसीजन वाइंडिंग है, तो इसके अंदर ये ड्रम है आपका, तो ड्रम से पैकेज आपका रिवॉल्व नहीं करता है, ये आपका पैकेज है, बल्कि अलग से एक सर्वो मोटर होता है और इसके द्वारा आपका तागी, ये जैसे आपका तागा जा रहा है ना, जो तागा जा रहा है, तो ये तागा क्या करेगा, ट्रेवर्सिंग के लिए यहाँ पर सर्वो मोटर लगी होती है, और यहाँ से डायमीटर का जो है वो सर्वो मोटर के अंदर सेंस जाता है, और सर्वो मोटर क्या करती है, ये आपका ट्रेवर्सिंग को कम ज्यादा करेगी, ठीक
जैसे जैसे डायमीटर आपका बढ़ता जाएगा तो ये क्या करेगा, सेंस करेगा और सर्वो मोटर को ऑर्डर देगा, और सर्वो मोटर क्या करेगा, स्पीड मोटर को कम करेगा। तो यहाँ पर आपके पैटर्निंग के चांसेस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ड्राइविंग जो होती है वो अलग मोटर से हो रही है, ये मोटर, और जो ट्रेवर्सिंग हो रही है वो अलग मोटर सर्वो मोटर से हो रही है, ठीक है ना। तो ये ट्रेवर्सिंग के लिए सर्वो मोटर और वाइंडिंग के लिए ये, जैसे मैंने बताया था दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है आपका बीटी, तो बीटी आपकी हो रही है सर्वो मोटर ट्रेवर्सिंग, और यहाँ पर जो है आपका जो बीएस होता है आपका वो इसकी स्पीड है, ठीक है। तो ये दोनों कंपोनेंट मिला के हम जीडब्ल्यू बना। तो नॉर्मल ऑटो कूलर के अंदर जो ट्रेवर्सिंग है वो ड्रम लगा हुआ, और प्रिसीजन वाइंडिंग के अंदर सर्वो मोटर लगा हुआ अलग, ये सेंसर होता है आपका जो डायमीटर को फील करता है और वहां से आपका जो है स्पीड जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका अब क्लासिफिकेशन आपका वाइंडिंग मशीन, ठीक है। अब मैं एक एक मशीन को डिटेल लूंगा, आज मैं खाली रोटो कूलर के बारे में आपको बताऊंगा, फिर उसके बाद हम लेक्चर को एंड करेंगे, कल हम ऑटो कूलर उसके बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये आपका है रोटो कूलर, हमने बढ़ा भी दिया, फिर मैं बढ़ा देता हूं। आपका जो है या आपकी बॉबिन है, जो रिंग फ्रेम से या आपकी गाइड है, या आपका यहाँ जा रहा है, ठीक है। इसका वेट होता है 80 से लेकर के 100 ग्राम बॉबिन का वेट, और यहाँ से यहाँ आपका जा रहा है ड्रम के ऊपर, ये ड्रम है और इसके ऊपर ग्रूव्स बने होते हैं, ठीक है। और इन्हीं के ऊपर आपका ये पैकेज आपका लगा जी, और ये आपका ड्रम है, ड्रम का जो डायमीटर होता है वो लगभग 70 mm का होता है, और ये जो होता है बेकेलाइट का बना होता है, ये बेकेलाइट एक पॉलीमर है जिसका टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता है, चाहे मशीन को 700 पर चलाए चाहे 1000 पर, टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं। अगर आप मेटल का यूज करें, इसी ये सब क्वेश्चन आपके गेट में आते हैं कि व्हाई द बेकेलाइट इज मेड बाय द ड्रम इज मेड बाय द बेकलाइट नॉट बाय द स्टील और आयरन, तो आपको ये आंसर देना है कि बेकलाइट इज नॉट ए गुड कंडक्टर, है ना, इट डजंट इफेक्ट बाय द टेम्परेचर, दिस इज द करेक्ट आंसर। और ये यहाँ पर आपका लगा होता है ये टेंशनर है, फिर आपका ये यहाँ पर स्लग कहते हैं, फिर ये लगा होता आपका वैक्सिंग डिवाइस, ठीक है। और फिर थर्ड होता आपका वात, या आपका वात स्टॉप मोशन या थ्रेड स्टॉप मोशन, ठीक है। अब आप देखें तो इसके ऊपर दो स्पीड है, एक तो है आपका ये सरफेस स्पीड, ये ड्रम आपका रिवॉल्व करेगा, और ये आपका रिवॉल्व करेगा, तो इसका जैसे डायमीटर मैंने अभी लिया, ये आपका डी है ना, तो आपका जो सरफेस स्पीड होगी वो कितनी होगी, इसको बोलते हैं बी एस, ये बराबर होता है पाई डी इंटू एन, एन जो होता है इसका आरपीएम है, जो हमने पहले बताया होगा कैसे निकालते हैं, और डायमीटर मालूम है तो आप सरफेस स्पीड निकाल लोगे, तो ये हो जाएगी सरफेस स्पीड आपका 35। दूसरा होता है आपका ट्रेवर्सिंग स्पीड,
आपका खाली एक जगह नहीं चलता है। अभी आप देखें तो तागा आपका जो है एक जगह रिवॉल्व नहीं होता, ये सीधे राइट से लेफ्ट जाएगा और लेफ्ट से राइट जाएगा। ये ट्रेवर्सिंग डिवाइस होती है, जैसे यहाँ पर ग्रूव्स लगे हुए हैं, तो ये इसके अंदर से तागा आपका जो है टू एंड फ्रो मूव करेगा, ठीक है ना। अब जैसे आपको बोन बनाना है या चीज बनाना है, तो है ना, तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, ये तो सरफेस स्पीड और दूसरी होती है ट्रेवर्स स्पीड। यदि आपका वी टी तो दो स्पीड आपकी मिल रही है ना, जैसे हम बताते हैं ना इलाहाबाद में जाओ तो तीन नदियां मिलती हैं, सरयू है ना, गंगा है ना, फिर वो है ना, उसी तरीके से यहाँ पर इसके ऊपर हमारे दो स्पीड मिल रही है। एक स्पीड तो है आपका ड्रम के द्वारा, एक स्पीड है ट्रेवर्सिंग के द्वारा, इन दोनों को मिला करके हमारी वाइंडिंग स्पीड निकलती है, ठीक है। और उसका फॉर्मूला ये हो जाता है कि ये आपका ये आपकी बीटी और ये आपका हो जाएगा बी डब्ल्यू। तो क्या हम इसे निकाल भी सकते हैं, बी डब्ल्यू बराबर हो जाएगा अंडर रूट वी एस स्क्वायर प्लस बीटी स्क्वायर। अब आपके सामने दो चीजें वाइंडिंग पर बनाते हैं, एक तो ये चीज बनाते हैं, तो चीज बनाएंगे तो हमारी सरफेस स्पीड बराबर होनी, डायमीटर दोनों तरफ बराबर है। और अगर हम ये कोन बनाते हैं तो डायमीटर आपका अलग अलग है, यहाँ पर जो डायमीटर है ज्यादा है, यहाँ पर डायमीटर आपका कम है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, अगर आप वहां पर इंजीनियर है तो आप क्या करोगे, ड्रम को चेंज कर दोगे, ये तो लग जाएगा ड्रम आपका इसके अंदर है ना, ये लगेगा चीज के लिए। और अगर कोन के लिए चाहिए, ये अगर आपको बनाना है तो आपको कोन को चेंज, ड्रम को चेंज करना पड़ेगा। और यहाँ पर स्पीड जो होती है वो कम होती है, बहुत तेजी से ताकत चलेगा, यहाँ पर ज्यादा यान चाहिए तो स्पीड आपको कम कर देंगे, है ना। तो हमारा ग्रुप कैसे बनेगा, ये कोण बनना है यहाँ पर जो, ठीक है ना, तो यहाँ पर जो हमारी स्पीड जो थी 5 होनी थी, बहुत तेजी से, फिर यहाँ पर आपकी कम, और यहाँ पर सबसे कम, तो ये आपका ड्रम होगा आपका कोण के, और ये हो जाएगा आपका, तो यहां पर इसको बोलते हैं पिच X1 X2 X3, ये आपका X1 ये X2 X3, इसको बोलते हैं पिच। तो यहां पर जो होता है X1 बराबर X2 बराबर X3, और यहां पर आपका X1 इज मोर देन X2 इज मोर देन, तब ये हमारा कोण बनेगा। तो कल मैंने आपको फार्मूला बताया था कि P cos थीटा बराबर होता है कांस्टेंट, तो जैसे जैसे पैकेज का डायमीटर हमारा बढ़ता चला जाए, तो हमारा ये यूनिफॉर्म बिल्डअप के लिए ये कंडीशन है, तो जैसे जैसे डायमीटर हमारा बढ़ेगा तो cos थीटा का मान कम होता जाए, तो थीटा का मान जो है वो बढ़ता जाए, है ना। तो यहाँ पर आप देखें तो थीटा का मान एंगल ऑफ वाइन, और यहाँ पर देखें एंगल ऑफ वाइन, तो दोनों में फर्क है, जबकि चीज के अंदर ये दोनों बराबर होते हैं। तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एंगल ऑफ वाइन किस में चेंज होता है, तो आपको सीधे कोण पर लगाना है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके गेट में आते हैं, मैं भी करवा दूंगा, है ना। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, जैसे जैसे डायमीटर बढ़ेगा तो थीटा का मान बढ़ता चला जाएगा, और चीज के अंदर चूंकि डायमीटर बराबर है तो थीटा का मान बराबर है।
इस तरीके से मैं लेक्चर को वाइंड अप करता हूँ, ठीक है ना, और कल हम डिस्कस करेंगे ऑटो कोनर और प्रोडक्शन और इसके बाद।